नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी मार्च का महीना क्या कुछ खास संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर मार्च के महीने में कर्क राशि वाले जातकों को किस क्षेत्र विशेष में बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता इस महीने रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कर्क राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। उपाय के दौरान मार्च 2022 को बेहतर बनाए रखने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को चार ऐसी बातों के बारे में जानकारी देंगे जिसको आपको जरूर करना है और चार ऐसी बातें जिसको आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ऐसी आदतों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो कर्क राशि के जातक यदि इस राशिफल को मार्च की समयावधि के पूर्व देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही आप जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर कर पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा। तो मार्च के महीने के ग्रह स्थितियों के बारे में सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दे रहे हैं। मार्च 2022 में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें मार्च की शुरुआत से लेकर पूरे मार्च के महीने तक राहु आपके राशि से लाभ भाव में गोचर में रहने वाले हैं। केतु देव आपके राशि के पंचम भाव में गोचरी स्थितियों में पूरे मार्च भर रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए योग कारक राजयोग प्रदाता मंगल देव उच्च के होकर शनिदेव के साथ और शुक्र के साथ राशि से सप्तम भाव में गोचर में रहने वाले हैं। सूर्यदेव माह के शुरुआत से लेकर मध्य तक आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर में रहने वाले हैं, उसके पश्चात सूर्यदेव आपके राशि के भाग्य भाव में चले जाएंगे। गुरु और बुध राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होगा जिसको आपको हम जरूर जानकारी देते रहेंगे। तो मार्च के महीने के राशिफल को यदि प्रारंभ किया जाए तो करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, राशि के दशम भाव से करियर का विचार किया जाता है और नौकरी का विचार राशि के सिक्स भाव से किया जाता है। दशम भाव के अधिपति काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। उच्च के होकर राशि से सप्तम भाव में शनि की राशि में शुक्र के साथ गोचर में रहने वाले हैं। तो माह की शुरुआत में कर्क राशि वाले जातकों को कुछ उठा पटक देखने के लिए मिल सकती है। मार्च के महीने में कर्क राशि वाले जातकों को नौकरी पेशा जातकों को सावधानी विशेष रूप से बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यापारी जातकों के लिए करियर काफी बेहतर रहने वाला है। नौकरी से हट कर यदि कर्क राशि के जातक जीवन में कोई अन्य कार्य करते हैं तो आपको संभावना श्रेष्ठ और बेहतर बनी हुई देखने के लिए मिलेगी। करियर के मामले में कर्क राशि वाले जातक, किसी प्रकार का यदि कार्य व्यवसाय पूर्व के समय से ही आप सोच कर रखे हुए हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए यदि प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए संतुलित व्यवहार देखने के लिए मिलेगा और विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति भी इस महीने जरूर होगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए
धन के मामले में यदि जानकारी दिया जाए, राशि के द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, जो राशि से अष्टम भाव में माह के मध्य तक गोचर में रहने वाले हैं, उसके पश्चात राशि के भाग्य भाव में रहेंगे। धन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना बेहतर रहने वाला है, केवल धन की बचत आप नहीं कर पाएंगे। एक से अधिक माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के स्रोतों का निर्माण तो जरूर होगा, परंतु बचत आप कम कर पाएंगे। राहु की उपस्थिति एकादश भाव में आमदनी में वृद्धि के प्रबल संकेत दे रही है। मार्च के महीने में किसी प्रकार की यदि काम धंधे में आप संलग्न हैं तो पर्याप्त धनार्जन जरूर कर लेंगे। तो आर्थिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के लिए जबरदस्त लाभ के अवसर जीवन में दिखाई देंगे। यदि शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में कर्क राशि वाले जातक अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको सावधानी बरतना चाहिए, इस महीने आपको बचना होगा। इस महीने कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि कर्ज भरी स्थितियां चल रही है उसके लिए आपको संभावना श्रेष्ठ बनेगी। चुकाने का यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आमदनी के नए स्रोतों का माध्यम भी निर्माण होगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि मार्च महीने की जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को दिया जाए, परिवार भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो मंगल और शनि के साथ राशि के सप्तम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन कर्क राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ और बेहतर नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार आपके देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां सही नहीं है। पारिवारिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को तालमेल बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। 15 मार्च 2022 के उपरांत पारिवारिक जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर संभावना देखने के लिए मिलेगी। सुख शांति का माहौल देखने के लिए मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। वहीं परिवार के सदस्यों के बीच आत्मविश्वास और एक दूसरे के प्रति समन्वय का भाव भी निर्मित रहेगा। लेकिन उसके पूर्व 15 दिन तक आपको विशेष सावधानी रखने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी दिया जाए, मार्च 2022 में शिक्षा भाव के अधिपति मंगल देव उच्च के होकर राशि से सप्तम भाव में गोचर में रहने वाले हैं। शिक्षा के मामले में चूंकि गुरु का प्रभाव भी श्रेष्ठ बना हुआ रहने वाला है, ज्यादा अड़चने का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक विशेष रूप से प्रगति करते हुए नजर आएंगे। यदि शिक्षा के साथ साथ आप किसी ऐसी क्रियाओं में जुड़े हुए हैं जिससे आपका व्यक्तिगत विकास होगा, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य या गौण क्रियाओं को सीखने के लिए आप उत्सुक हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी और आपको सीखना भी जरूर चाहिए। शिक्षा के साथ साथ अपने खाली समय में ऐसी एक्टिविटीज पर आपको जरूर संलग्न रहना चाहिए जिससे आपका व्यक्तिगत विकास जरूर हो। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के तीसरे भाव से द्वितीय भाव से परिवार का विचार किया जाता है। पारिवारिक जीवन के बारे में हमने जानकारी दे ही दी है। अब यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंध के मामले में स्थितियां मिली जुली रहने वाली है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों के बीच में वाद विवाद की संभावना भी निर्मित होगी और वैसे भी सलाह दी जा रही है, यदि आपकी शिक्षा चल रही है तो प्रेम संबंधों के मामले में आपसे दूरी आपको बनाकर जरूर चलना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों को शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों को प्रेम जीवन में जुड़ने से नुकसान ही होता है। अब यदि वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के कारक बनते हैं शनिदेव, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और जो शुक्र और मंगल के साथ राशि के सप्तम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं, कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन के मामले में भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए मिली जुली स्थितियां रहने वाली है। एक ओर आपके रिश्ते में संलयता और पार्टनर के बीच में
अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे के प्रेम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आपकी मधुर वाणी रहेगी। वहीं इस समयावधि में 11th हाउस में राहु मौजूद होकर अब हम अपनी नवम दृष्टि से राशि के सप्तम भाव को देख रहे हैं और राशि के सप्तम भाव में शनि, मंगल और शुक्र, ये तीन प्लेनेट आपस में बैठे हुए हैं, तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं क्रोध और वैचारिक मतभेद भी निर्मित होने की प्रबल संभावना वैवाहिक जीवन में मार्च के महीने में दिखाई देगी। इससे आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को यदि दाम्पत्य जीवन में आप जुड़े हुए हैं तो समन्वय बनाकर विशेष रूप से चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो राशि से अष्टम भाव में सूर्य और बुध के साथ गोचर में रहने वाले हैं। बृहस्पति की स्थितियां अष्टम भाव में बनी हुई रहने के कारण कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में पेट से जुड़ी हुई समस्या तो जरूर आपको प्रभावित कर सकती है, इसलिए समय पर भोजन करने की आदत डालें। फास्ट फूड, जंक फूड से आपको बचना चाहिए। घरेलू भोज्य पदार्थों पर आपको प्राथमिकता देनी है। वाहन चलाते समय भी कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी रखना चाहिए, तो बेहतर संभावना आपके जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों में अक्सर हमने देखा है कि मानसिक तनाव की वजह से इनके शारीरिक रूप से इनको काफी प्रतिकूल स्थितियों का सामना जीवन में करना पड़ता है, तो कर्क राशि वाले जातकों को यह सावधानी रखनी चाहिए कि किसी प्रकार से मानसिक तनाव लेने से भी मानसिक तनाव लेने से बचना है। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि उपाय के बारे में जानकारी दिया जाए, उससे पहले आपको चार ऐसी आदतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसको आपको जीवन में त्याग देना है। पहला, किसी प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों को नशा नहीं करना है। यदि आप नशा करते हैं तो शारीरिक, मानसिक दोनों रूप से आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए नशा करने से कर्क राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से दूर रहना चाहिए। वैसे भी जो व्यक्ति नशा करता है, शनिदेव की क्रूर दृष्टि और कुप्रभाव उसके जीवन में जरूर बढ़ता है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर संभावना निर्मित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो आप शनिदेव के न्याय चक्र और दंड से आप नहीं बच सकते हैं और उस व्यक्ति की भावनाएं जो आहत होती हैं वो आपको श्राप भी देती है। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखनी है। और चौथा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और संभावना निर्मित करने के लिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। अब व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में संलग्न ना हो, अनावश्यक बहस का हिस्सा जीवन में ना बने, तो यह महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को इस महीने को आसान बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर व्यक्ति का सम्मान करने की आदत डालें, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में आपकी अहम भूमिका होती है, उस व्यक्ति के मनोवृत्ति में आपकी एक अलग छवि दिखाई देती है। खास तौर से अपने कुटुंबी जनों का, अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष रूप से सम्मान जरूर करें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपनी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है चंद्रमा प्रधान जातक होने के कारण कर्क राशि वाले जातक छोटी छोटी बातों पर यह नाराज होते हैं, इसलिए अपनी व्यक्तिगत तुलना किसी व्यक्ति से ना करें तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। जब आप दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं तो आप अपने आप को हीन भावना से भी देखते हैं। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को नकारात्मक विचार आने पर या समस्या आने पर समाधान ढूंढना चाहिए, और जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आए तो भगवान का चिंतन करें या भजन को सुन लें। और चौथा, इस महीने को बेहतर बनाए रखने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, सहयोग का भाव रखना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्ति को यथा उचित दान जरूर करते रहें।
अब धार्मिक जीवन में अगर आपके लिए उपाय बताया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए भगवान शिव की उपासना करना, आराधना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। राशि स्वामी चंद्रमा की स्थितियां आपके जन्म कुंडली पर काफी ज्यादा मजबूत होगी यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का निरंतर जप करेंगे। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को सूर्यदेव को नित्य प्रति यदि स्नान के पश्चात आप जल अर्घ्य देते हैं तो आपके जीवन में मनोबल में भी वृद्धि होगी और हर कार्य को करने से आपको सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को अच्छी लगी। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2022 के सभी महीने कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।